दूसरा अधिकारियों को हमने सूचना दी है कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, महात्मा फुले कारपोरेशन है, अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल है, डिडकॉम है, वसंतराव नाईक विकास महामंडल है, तो ऐसे महामंडल के जो एप्लीकेशन जाते हैं उसमें बहुत सारे 70% से ज़्यादा जो एप्लीकेशन होते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो मैक्सिमम लोगों का दर्जा मंजूर होना चाहिए, इसी तरह की सूचना हमने अधिकारियों को दी है और सभी जो MD ने, जनरल मैनेजर ने आश्वासित किया है कि जरूर हम SC ST के जो आएंगे तो उनको प्रायोरिटी से हम उनको मदद करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है कि हर बैंक ने अपने टोटल बजट में कम से कम 10% जो पैसा है ये वीकर सेक्शन के लिए लोन के माध्यम से देना चाहिए। तो सभी बैंकों ने बताया कि वह हमने 10% से 11%, 12%, 13% इतना लोन हमने दे दिया। तो आज की मीटिंग के माध्यम से जरूर मतलब जो SC ST के जो लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने के लिए जरूर मतलब बैंक के लोगों ने, अधिकारियों ने हमको एश्योरेंस दे दिया है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 22,000 शाखाएं हैं और पूरे देश भर में 17-18 में 1,24,559 लोगों को कम से कम 674 करोड़ रुपीस का लोन दे दिया है। जैसे कास्ट के लिए 39,000 लोगों को 207 करोड़ लोन दे दिया है। सिडबी ने बताया है कि भाई मुद्रा के अंतर्गत हमने कम से कम 12,27,00,000 लोगों को हमने मुद्रा के अंतर्गत मतलब लोन मंजूर किया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कम से कम 2,77,00,000 लोगों को हमने मतलब लोन मंजूर किया है और उसमें SC ST को कम से कम 5,54,000 करोड़ रुपया लोन उन्होंने सीडीएस दे दिया है। तो और वो और SC ST को कम से कम SC ST को 74,000 करोड़ रुपीस लोन दे दिया है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लाभार्थियों को लोन दे दिया है और उसमें कम से कम 10,950 SC ST को लोन दे दिया है। तो ऐसे पूरे आंकड़े हैं, अगर आपको पूरे आंकड़े दे देगी तो हर बैंक ने हमको जानकारी दी है और हमको जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। बैंक का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना में हर ब्रांच ने कम से कम एक को ये वुमेन एंटरप्रेन्योर और एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का एंटरप्रेन्योर इसको लोन देने के बाद बारे में गाइडलाइंस है, पर उसके बावजूद टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर मतलब घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है। और जो जलगांव जिले में जो वाकड़ी नाम का गांव है वहाँ कल ये घटना घटी है और वहाँ बलवंत जोशी नाम के जो नाथपंथी डोगरी गोसावी समाज होता है जो NT में आता है वो समाज के वो बलवंत जोशी जी की वो बीवी थी हुआ था और वहाँ तैरने के लिए गए हुए जो मात्र समाज के दो लड़के थे उनकी पिटाई करने का मतलब एक बहुत बड़ा गंभीर घटना घटी है। DSP से बात की है, उसमें बलवंत जोशी और उनका जो नौकर था जिन्होंने पिटाई की है उनको अरेस्ट कर लिया है और कल मैं वहाँ सुबह 9 बजे मैं वहाँ भेंट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। गंभीर है और जिन्होंने मतलब इसी तरह की मारपीट की है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। हमारे राजकुमार बड़ोले जी है, CM साहब कैनरा जाने के बाद मैं उनसे भी बात करूँगा। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि केस गंभीर है और कौन सी जाति के लोगों ने मारा ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पिटाई की है जो गांव के लड़के नग्न ही मतलब कुएं में तैरते हैं तो उनको कोई नंगा किया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुएं में तैर रहे थे और उनको ऊपर बुलाकर उन्होंने कपड़े पहनने के पहले उनकी पिटाई कर दी, उसका जो वीडियो वायरल कर दिया गया। मुझे लगता है कि बात अच्छी नहीं है, अपने महाराष्ट्र में इसी तरह की घटना घटना अच्छी बात नहीं है। तो वही राहुल गांधी ने तीखा वार किया है, बोल
तो गांधी जी को दूसरा कोई विषय नहीं है, मतलब जो भी कोई घटना घटती है उसको सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। घटना गंभीर है, हम मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब घटना घटी है तब पुलिस ने उसमें काफ़ी मतलब तेजी से वो दो लोगों को अरेस्ट भी कर दिया है। मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी ने इसी तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसी घटना का निषेध करना चाहिए, सरकार को सूचना भी देनी चाहिए कि भाई सरकार ने क्या करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में या बीजेपी के सरकार में ये सब हो रहा है, इसी तरह की पॉलिटिकल भूमिका लेना ठीक नहीं है। अत्याचार हुआ ये बात गंभीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में इसी तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जरूर महाराष्ट्र सरकार कोशिश करेगी। और दलितों पर जो अन्याय हो रहे हैं, ये बात सही है कि आज भी अन्याय हो रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश जरूर राज्य सरकार के माध्यम से होगी और दलितों का प्रोटेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस घटना में जो जिन्होंने अत्याचार किया है वो नोमेडिक ट्राइब का वो आदमी है, जो मतलब जिन्होंने मारपीट की है, तो कोई भी हो लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जरूर हम कोशिश करेंगे। और मैं कल वहाँ जाकर पूरी जानकारी ले लूँगा और उस फैमिली को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए और जो जिन्होंने मारपीट की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, थोडक्यात मराठीमध्ये हे पूर्ण प्रकरण जे जळगावमध्ये समोर आलेलं आहे काय बोलणार? आता जळगावमध्ये जी घटना घडलेली आहे ती गंभीर घटना आहे। माथेरान समाजाच्या दोन तरुणांना विहिरीमध्ये पोहायला गेलेला आहे, म्हणून त्या विहिरीच्या मालकाने, जो मालक बळवंत जोशी नावाचा आहे आणि तो एलटी समाजाचा आहे, उगड्या समाजाचा असो, परंतु मारपीट केलेली आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे। त्या केसमध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट होती आहे, कभी कभी कुएं में तरीने के लिए इसीलिए हमारा मारने का काम होता है और मुजरी पहनी है, इसीलिए मतलब ये कोई सवर्णों का ही अधिकार नहीं है मुजरी पहनने का। अगर मुजरी दलित लड़का अगर पहनता है तो उनका तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनकी पिटाई करना ऐसी बात नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और जिन्होंने मतलब इसी तरह के मारपीट की है उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करना, उनको कड़ी सजा मिलना आवश्यक है। लेकिन जो घटना घटी है ये घटना अच्छी नहीं है। थैंक यू सर। जो विक्टिम्स यहाँ पे जो हुई है, जो अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनको मारा गया है, तो और उनको उनके साथ में सरकार है, और जो जिन लोगों ने ये अत्याचार किया उन लोगों को ऑलरेडी अटक हमने कर ली है, और ये बच्चों को मुआवजा के तौर पे 25,000 रुपए सामाजिक न्याय में विभाग के द्वारा दिए गए, 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने की बात है। और कल हम लोग हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और वो पूरी टीम को वहाँ भेज रहे हैं, और निश्चित ही वो जो एट्रोसिटी का जो एक्ट है उसके तहत जिन सोनिया लोहार और जो जोशी है जिसके हुआ है तो उनको अरेस्ट किया गया है, अगली कार्यवाही पुलिस कर रही है। और सरकार निश्चित ही जिन लोगों ने इस तरीके का अत्याचार किया महाराष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं, और इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कार्यवाही उन लोगों के ऊपर करेंगे। वक्त आएगा तो हम वहाँ पर स्पेशल काउंसिलर दे के कोर्ट में भी वो बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा, और सामाजिक न्याय और सरकार की। जो विक्टिम्स यहाँ पे जो हुए हैं, जो अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनको मारा गया है, तो और उनको उनके साथ में सरकार है, और जो जिन लोगों ने ये अत्याचार किया उन लोगों को ऑलरेडी अटक हमने कर ली है, और ये बच्चों को मुआवजा के तौर पे 25,000 रुपए सामाजिक न्याय में विभाग के द्वारा दिए गए, 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने की बात है। और कल हम लोग हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और वो पूरी टीम को वहाँ भेज रहे हैं, और निश्चित ही वो जो एट्रोसिटी का जो एक्ट है उसके तहत जिन सोनिया लोहार और जो जोशी है जिसके हुआ है तो उनको अरेस्ट किया गया है, अगली कार्यवाही पुलिस कर रही है। और सरकार निश्चित ही जिन लोगों ने इस तरीके का अत्याचार किया महाराष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं, और इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कार्यवाही उन लोगों के ऊपर करेंगे। वक्त आएगा तो हम वहाँ पर स्पेशल काउंसिलर दे के कोर्ट में भी वो बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा, और सामाजिक न्याय और सरकार की। जो विक्टिम्स यहाँ पे जो हुए हैं, जो अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनको मारा गया है, तो और उनको उनके साथ में सरकार है, और जो जिन लोगों ने ये अत्याचार किया उन लोगों को ऑलरेडी अटक हमने कर ली है,
और ये बच्चों को मुआवजा के तौर पे 25,000 रुपए सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा दिए गए 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने की बात है। और कल हम लोग हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और वो पूरी टीम को वहाँ भेज रहे हैं और निश्चित ही वो जो एट्रोसिटी का जो एक्ट है उसके तहत जिन सोनिया लोहार और जो जोशी है जिसके कुआ है तो उनको अरेस्ट किया गया है। अगली कार्रवाई पुलिस कर रही है और सरकार निश्चित ही जिन लोगों ने इस तरीके का अत्याचार किया महाराष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं और इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करेंगे। वक्त आएगा तो हम वहाँ पर स्पेशल काउंसिलर दे के कोर्ट में भी वो बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा और सामाजिक न्याय और सरकार की जिस तरीके की ये घटना हुई है ये बच्चे जिसके खेत में आ गए और जिस कुएं में तैर रहे थे उन्होंने पकड़ के जिस तरीके से उन लोगों को मारा ये निश्चित ही सभी स्तर पे से ये निषेधात्मक बात है। पर ऐसा कहीं दलित और सवर्ण ऐसे वहाँ पे कोई संघर्ष की बात नहीं है। सरकार इन लोगों के साथ में जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने इस तरीके का वहाँ पे अत्याचार उन बच्चों के ऊपर किया।